नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से, जहां उपखंड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय में होने जा रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर समय समय जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है चुनाव प्रचार प्रसार परवान पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रत्याशी वोटरों को घर घर जाकर अपने समर्थन में वोट के लिए आग्रह करने के साथ अपनी अपनी जीत के लिए वोटरों की खुशामदी करते दिखाई दे रहे हैं। तो कोई अपने साथी से तो कोई अपने मिलने वालों से वोटरों को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं अब भी कई प्रत्याशी नामांकन वापस लेने का समय निकल जाने के बाद भी अपने मिलने वालों से अन्य प्रत्याशी पर अपने समर्थन में लाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। कैसे भी वो प्रत्याशी अपनी जीत के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपना रहे हैं। कोई सामाजिक गणित बिठाने में लगा है तो कोई राजनीतिक, तो कोई अन्य फार्मूलों के सहारे अपनी नया पार लगाने में जुटे हैं। बुधवार को अधिकतर प्रत्याशी शहर को छोड़ ग्रामीण क्षेत्र में एक एक वोटरों से संपर्क कर अपने लिए वोट करने की व अधिक से अधिक वोट कराने की अपील करते दिखाई दे रहे थे। प्रत्याशी वोटरों के साथ साथ क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि से भी अपने पक्ष में वोटरों से अधिक मतदान करवाने का आग्रह करते दिखाई दे रहे थे। क्षेत्र में पहली बार हो रहे राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव बड़े रोचक व देखने लायक प्रतीत हो रहे हैं। चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं का उत्साह परवान पर है। विद्यार्थी अपने अपने समर्थकों के लिए वोट पाने की चाह में भरसक प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय करेगा। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।